फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, आज है फ्रेंड्स, दिन है वेनसडे का और टाइम हो रहा है फ्रेंड्स अभी 5:30 हो रहे हैं फ्रेंड्स। 5:30 को दिखाती वो देखो फ्रेंड्स, अगर आपको टाइम दिख रहा है तो 5:30 हो रहे हैं अभी। 5:30 का टाइम हो रहा है और मैं अभी चाय रख कर आई हूँ। अभी समय पर चाय रख कर आ गई हूँ, तो वो धीरे धीरे बन रही है। और आज ना मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं, घर पे ही हैं। बताऊँ क्यों? क्योंकि बारिश हो रही थी, आज 1 बजे से बारिश स्टार्ट हो गई थी फ्रेंड्स, और 2-2.5 घंटा हुई है बारिश। तो इतना वो रखा था फ्रेंड्स, पानी भर गया था ना, पूछो मत, बहुत बारिश हुई है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ दिखाने के लिए कर रही थी, ये देखो, ये कौन है? ये देखो, ये है स्वास्तिक और ये हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, ये मेरा छोटा बच्चा, जब स्वास्तिक छोटा था ना, जब का ही है। और ये देखो फ्रेंड्स, तो आज मैं क्या करने वाली थी, आज मैं आपको बताती हूँ। ये देखो, ये फ्रेंड्स मेरी नई साड़ी है, इसमें ना पिन रखी हुई है, लगी हुई है। ये देखो फ्रेंड्स, ये मेरी न्यू साड़ी है। तो मैं आज इसमें फॉल लगाने जा रही थी, बट मैंने सुई नहीं थी मेरे पास, तो मैंने जो हमारे पड़ोस में रहती है ना, उनसे, दीदी से लिया था। तो उन्होंने मुझे बताया कि क्या कहते हैं, फॉल को पहले धो लेना, फिर प्रेस करके लगाना, तो ना ठीक रहती है इससे। तो मुझे पता नहीं था, मैं तो ऐसे ही डायरेक्ट लगा लेती हूँ। और ये देखो, ये कपड़े हैं तय लगाने के लिए। तो फ्रेंड्स, कपड़े ना भर जाते हैं, धोते रहो। और कल भी मैं गीली हो गई थी अपने स्वास्तिक को लाने के टाइम पर। तो खैर छोड़ो, ये बातें तो होती रहती हैं। और मेरा सारा काम हो गया, कपड़े वगैरह भी धो लिए, क्योंकि बरसात का टाइम है, सूखते ही नहीं कपड़े फ्रेंड्स। देखो वो देखो, आज मेरे हस्बैंड इतने दिन के बाद ना लैपटॉप लेकर आए हैं, तो आज मुझे लैपटॉप में भी बहुत सारा काम है। ये देखो, मैं चाय बनाऊँ, मुझे चाय बन रही है, तो बना लेती हूँ। दूध अभी वाला है, उबाला है। मैं आपको दिखा दूँ फ्रेंड्स, मैंने आज ना यहाँ पर साफ सफाई करी थी, उधर का सामान उधर से मैंने यहाँ पर लगा दिया। और ये जो है ना, ये मैंने यहाँ पर था, दूसरी जगह पे था, इस साइड से दिखाती हूँ। ये देखो, ये इस तरीके से लगाया मैंने यहाँ पर। तो कैसा लग रहा है यहाँ पर, ये कोना हो गया। पहले मैंने फ्रेंड्स इस कोने में लगाया था, तो मुझे आज ना थोड़ी साफ सफाई करी थी, तो उसके बाद और मेरा सारा काम हो गया है। ये देखो, बर्तन वगैरह भी हो गया है, सारी क्लीनिंग हो गई है, बर्तन वगैरह कुछ भी नहीं है। मैं चाय पीऊँगी, फिर ना मैं अपने जो काम है मैं करूँगी, उसके बाद तो शुरू हो जाती हूँ मैं, नहीं तो कुछ ना कुछ लगा ही रहता है फ्रेंड्स, है ना। तो देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए मैं आ गई हूँ अब चाय लेकर अपनी। मैंने चाय बन गई थी मेरी, और चाय पी लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरे जो हस्बैंड है वो ना उस कमरे में बैठे हुए थे, क्योंकि ना उनका किसी का फ़ोन आ गया था। तो पहले तो बोले थे साथ में बैठ के चाय पियेंगे, बना लो, क्योंकि बारिश हो रही थी ना, बारिश में चाय पीने का मज़ा ही अलग होता है। और साथ में कुछ खाने का भी मन करता है फ्रेंड्स, बट ना मैं थक गई थी, क्योंकि मैंने उससे पहले इतना काम कर लिया था, क्योंकि उसके बाद मन नहीं कर रहा कुछ भी बनाने का। तो ये देखो, मैं वो लैपटॉप चला के देख रही थी, क्योंकि ना फ्रेंड्स मेरे हस्बैंड हैं वो बारिश में लेकर आए थे इसको, तो चेक कर रही थी कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ये देखो, और चल गया था फ्रेंड्स। तो फिर मैं इसमें ना कुछ चला के देख रही थी, यूट्यूब वगैरह कैसा चल रहा है, जो है इसमें गूगल वगैरह चेक कर रही थी सब कुछ। तो फ्रेंड्स, काफ़ी दिन के बाद मेरे हस्बैंड ने इसको किसी को दे रखा था, तो वही चेक कर रही थी कि ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो सही चल रहा था फ्रेंड्स। तो फिर मैंने गाने लगा दिए थे इसमें, मैंने म्यूज़िक लगा दिया था सुनने के लिए, थोड़ा सा होता है ना, तो थोड़े से म्यूज़िक सुन लूँगी तो थोड़ा माइंड मेरा ठीक हो जाएगा। तो आप भी सुनते होंगे फ्रेंड्स, क्योंकि कभी कभी मूड ख़राब हो जाता है या कुछ किसी से बात नहीं करनी, तो म्यूज़िक सुन लो ना, थोड़ा सा अच्छा लगता है फ्रेंड्स, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और ये देखो, मैं चाय वाय फ्रेंड चाय पीने के बाद मैं गई थी अपनी पड़ोस में गई थी फ्रेंड्स, हमारे पड़ोसी हैं, तो उन्होंने ना ऑनलाइन शॉपिंग करी थी, तो वो बोल रहे थे कि आना देखने के लिए जब काम वाम ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने बोला ठीक है, क्योंकि उससे के बाद ही फ्रेंड्स काफ़ी मेरे हस्बैंड आ गए थे ना, तो काम बढ़ जाता है फ्रेंड। देखो, मैं चाय वैसे तो पीती नहीं, मैंने आपको कई बार बता रखा है,
तो वो आए ना, तो फिर अब बारिश से भीग कर आए थे, तो फिर उन्होंने तो बोला नहीं चाय पीने के लिए फ्रेंड्स, लेकिन अब खुद को तो होता है ना कि जैसे कि कोई गीला हो क्या है तो कोई गर्म चीज़ खाने का मन करता है ना, खाने का या पीने का मन करता है। तो खाना ना तो खाने का मन नहीं था क्योंकि वो आए 4 बजे थे, तो खाना तो मैंने पूछा था बट उन्होंने बोला नहीं मुझे नहीं खाना खाना। और फिर उसके बाद मैंने 5-6 बजे में शायद से चाय बनाई थी, याद नहीं इतना। तो गाने चला दिए हैं मैं और गाने को एंजॉय करती हूँ, और अपनी चाय को चाय पी के फिर मैं चली गई थी अपनी ऑनलाइन फ्रेंड्स, उन्होंने ऑनलाइन दिखाई थी और उन्होंने ऑनलाइन मंगवाया भी था ड्रेस, तो वो भी शेयर कर रही थी, मुझे दिखा रही थी कि यार तुम भी लेना रमा, अच्छा लगेगा, ऐसे बोल रही थी। तो फिर मैंने ना ठीक है दीदी मुझे बताना आप, दिखा भी देना, तो वही देखने गई थी फ्रेंड। तो काफ़ी देर तक मैंने देखा था, मुझे बहुत अच्छे अच्छे लगे, पर फ्रेंड्स फिर मेरे को ये हुआ कि क्या कहते हैं उस ड्रेस में मैं अच्छी लगूंगी कि नहीं लगूंगी। तो अगर लूँगी तो फ्रेंड्स मैं वीडियो भी बनाऊँगी उस ड्रेस में, तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैं अच्छी लग रही हूँगी कि नहीं, क्योंकि ज़्यादातर मुझे ब्लॉग जो वगैरह हैं वो साड़ी के लिए बोलते हैं लोग कि आप साड़ी में ब्लॉग बनाया करें, और सूट में बोलते हैं, लेगीस में बोलते हैं, तो बोलते तो हैं फ्रेंड्स कई लोग काफ़ी काफ़ी चीज़ों में। पर अब जो चीज़ है मैंने देखी है वो मैं लूँगी, अगर बोला तो है मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं वो भी अच्छी लगेगी, पर देखो अगर वो अच्छी लगती है तो मैं ले लूँगी, तो फिर उसके बाद मैं पहन के फिर मैं ब्लॉग बनाया करूँगी, और फिर आप मुझे बताना कि वो ड्रेस कैसा लग रहा है। अभी तो नहीं बता रही, बस मैं शेयर नहीं कर रही आपके साथ, वो आप लोगों के लिए फ्रेंड्स सब सरप्राइज है एक तरीके से। तो आप प्लीज़ इंतज़ार करना उस ड्रेस का, जब मैं लाऊँगी फ्रेंड्स मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। और फ्रेंड्स मैं उसके बाद उनके घर गई थी, उनके घर से आने के बाद मैंने सब्जी के लिए, मैं आज आलू की सब्जी बना रही हूँ, सिंपल आलू की सब्जी, आलू टमाटर की सब्जी। तो अपनों काफ़ी लोगों ने खाते होंगे अपने घर में, जब सब्जी कुछ नहीं होती घर में तो आलू तो होती होती है, सबके घर में ही होती है आलू। मैं प्याज काट लेती हूँ, अब प्याज से छोंक तड़का मारूँगी और टमाटर डालूँगी फ्रेंड्स। इसमें कुछ कुछ मैंने कुछ खास नहीं करा है, जैसे सिंपल बनाते हैं वैसे ही। तेल ले लेना है, मस्टर्ड ऑयल, और उसमें जीरा डाल लेना है, और ये सब कुछ बस आसान ही है फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा। और सिंपल तरीके से मसाला डाल देना है, हल्दी मिर्ची धनिया पाउडर और नमक स्वाद अनुसार। गरम मसाला मैं कम डालती हूँ, आलू आलू की सब्ज़ी में नहीं डालती, बहुत कम डालती हूँ। तो बस वही है जो जैसे मैं जिस तरीके से खाती हूँ फ्रेंड्स वही पसंद आता है मुझे ज़्यादातर। किसी किसी में फ्रेंड्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ना वो उसमें डालती हूँ, ऐसे नहीं डालती, ऐसे नहीं करती मैं, पर सब में नहीं डालती फ्रेंड्स, यही है। किसी किसी में ना स्वाद अजीब सा लगता है मुझे। तो ये देखो मैंने कर लिया है, और अब मैं देख रही हूँ अपना मस्टर्ड ऑयल, ये देखो, और पता नहीं कुछ देख रही हूँ उसके अंदर, ये देखो। अब मैं इसमें मस्टर्ड ऑयल डाल दूँगी अपने कुकर में, तो इसी तरीके से मैं बना लेती हूँ, साथ के साथ सारा काम करती रहती हूँ। तो फ्रेंड्स मुझे ना सब्ज़ी बनाने के बाद ना मुझे जाना था, वहाँ जाना था मार्केट में जाना था फ्रेंड्स। तो मार्केट में किस लिए जाना था मैं आपको बता देती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे रेनकोट ख़रीदा है अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि वो एक दो बार ना फ्रेंड्स बरसात का मौसम चालू हो गया ना, तो जब से बरसात हो रही है जब से 2-3 बार भीग गए मेरे हस्बैंड, और फ्रेंड डेली भीगना सही नहीं लगता, देखो तबीयत भी ख़राब हो सकती है, देखो तबीयत ख़राब हो गई तो उसमें बिना बात का पैसा जाता जाता है ना, तो इससे सही है ना पहली सेफ्टी रख लो, तो इसलिए रेनकोट ख़रीद लिया है। और जो मेरा बेटा है वो तो मैं उसको ले आती हूँ, उसके लिए छतरी है। तो फ्रेंड देखो जो पैदल चलते हैं उनके लिए छतरी ठीक है, और जो मेरे हस्बैंड है वो स्कूटी वगैरह चलाते हैं तो उनके लिए रेनकोट इसलिए लिया था। तो बस यही है, ये देखो अब मैंने डाल दिया, एक तरफ मैं तड़का तड़के को कर लेती हूँ और दूसरे पे मैं अपना दूध दूध जो है ना उसको गर्म कर रही हूँ फ्रेंड्स, देखो। और मैं जल्दी जल्दी टमाटर काट लेती हूँ, और बहुत आसान रेसिपी इसलिए शेयर नहीं करी मैंने आपके साथ, और जल्दी जल्दी से ये वाला काम ख़त्म करके ना
फिर मैं वहाँ जाऊँगी, मार्केट जाऊँगी। इसके वजह से तैयारी कर रही थी फ्रेंड्स, क्योंकि ना आने के बाद ना ज़्यादातर मुझसे काम नहीं होता, मैं थक जाती हूँ ज़्यादा, हूँ ये हो जाता, थक जाती हूँ मैं, थोड़ा सा इधर उधर चल जाती हूँ, तो इसलिए इसके वजह से मैं ज़्यादा ज़्यादा ना बाहर नहीं निकलती। मैं सोचती हूँ कि बस कोई हो जाए, बस मेरे हस्बैंड बोले कि तुम चलो चलो, पीछे पड़ जाते हैं मेरे को ना, अच्छा नहीं लगता बार बार मेरे को नहीं ले जाने जाने का। मैंने लगे भाई तुम्हारा सामान है तुम ला सकते हो, छोटे बच्चे तो हो नहीं, है ना, देखो छोटे बच्चों को तो चलो दिलाना पड़ता है, दवाई वगैरह भी दिलाना पड़ता है उनको, उनके हिसाब से कपड़े भी दिलाने पड़ते हैं। जैसे मेरा जो छोटा बेटा है, मेरा बच्चा है, तो मैं उसको हमेशा साथ में रखती हूँ, हमेशा उसके हिसाब से दिला भी देती हूँ, और जो चीज़ नहीं पसंद होती मुझे मैं उसे बोलती भी हूँ कि ये चीज़ मत लो बेटा, जो चीज़ है ना, जो चीज़ उसके इस्तेमाल का नहीं है। जैसे कभी कभी बच्चे पीछे भी पड़ जाते हैं, गलत चीज़ के भी पीछे पड़ जाते हैं, बट बच्चे हैं वो, तो बच्चे का माइंड ही अलग होता है ना, बच्चों को जब समझाओगे तुम तो जब भी वो हटेंगे पीछे, है ना। बस मेरी तो यही थिंक है, और मैंने अपने मसाले यानी कि भून दिया है सब कुछ, और उसमें मसाला वगैरह भी ऐड कर रही हूँ, को दिख रहा होगा। देखिए फ्रेंड्स, हो गया है मेरा सारा, तैयारी हो गई है, और इसके बाद मैं इसमें छौंका लगाने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँ, तो बस भून गया फ्रेंड्स। अब मैं थोड़ी देर में मैं इसमें पकने दूँगी, और फिर इसके बाद मैं ये कर दूँगी। और फ्रेंड्स पकने के बाद मैंने वो कर दिया था, और ये देखो तो फ्रेंड मैंने सब्ज़ी ना जल्दी बना ली थी, और ये 7:30 का टाइम हो रहा था, तो क्योंकि ना मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि जाने के लिए, तो जल्दी लग गई थी मैं सारा काम करने में, जल्दी लग गई थी। फिर मैंने पूजा वूजा करी है, ये देखिए पूजा तो फ्रेंड्स मैंने पहले ही करी थी, वो ना क्लिप मैंने बाद में लगाया है, आपने पहले करी थी मैंने पूजा, खाना बनाने, हाँ खाना बनाने से पहले ही करी थी। नहीं 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 सॉरी फ्रेंड्स, मैं थोड़ी सी भूल रही हूँ, खाना बनाते के बाद ही मुझे हाँ याद आया था, मैंने पूजा नहीं करी है, तो उसके बाद मैं पूजा करने बैठी थी, सॉरी आप कंफ्यूज हो रहे होगे, मैं बार बार कितना कुछ कर रही हूँ, तो फ्रेंड्स मैं ना भूल गई थी, हाँ पूजा करना भूल गई थी। फिर उसके बाद फिर मैंने सोचा कि पूजा वूजा कर लेती हूँ, शाम का फ्रेंड्स दिया जला रही हूँ, और मॉर्निंग में तो मेरे हस्बैंड जला देते हैं, मेरा बेटा भी पूजा कर लेता है, अब तो बड़ा हो रहा है, वो भी समझदार हो रहा है मेरा बेटा। तो ये देखिए मैंने कर ली पूजा, और अब हम जा रहे हैं मार्केट, ये देखिए। तो फ्रेंड्स अभी टाइम हो रहा है रात के फ्रेंड्स 11 बज गए हैं, मेरा सारा काम हो गया है, यानी कि हमारा खाना पीने का काम हो गया है, और बीच में फ्रेंड्स उससे पहले फ्रेंड्स मैं 9:30 बजे से 10 बजे, 10 बजे नहीं 10:15 बजे हम आए हैं, क्योंकि हम चले गए थे वहाँ पर मार्केट चले गए थे फ्रेंड्स, क्योंकि ना बरसात का टाइम आ ही गया है आपको पता है, और 2-3 दिन से बारिश रेगुलर हो रही है दोपहर के टाइम पे, तो ना मेरे जो हस्बैंड हैं वो डेली भीग कर कोचिंग वगैरह पढ़ा रहे थे, क्योंकि स्कूल के टाइम पे तो बारिश नहीं हो रही थी, जब छुट्टी हो रही थी ना तो वहाँ से आते स्कूल के आने के टाइम पे भीग जा रहे थे, फिर कोचिंग सेंटर पे ऐसे जाना पड़ता था, घर पे नहीं आते हैं तो वहाँ पर उनको ऐसे पढ़ाना पड़ा था, आज तो बिल्कुल ठपकते हुए आए। तो फिर मैंने बोला कि आज ऐसा करो तुम रेनकोट खरीद लो अपने लिए,
छाते से तो काम बनेगा नहीं फ्रेंड्स, छतरी से, क्योंकि स्कूटी वगैरह भी चलानी पड़ती है ना, तो इतनी बड़ी गाड़ी तो है नहीं कि गाड़ी में चलो कर लेंगे, है ना। तो उसकी वजह से रेनकोट लिया है, ले लिया फ्रेंड्स, वो ना स्कूटी में है, नहीं तो मैं आपके साथ शेयर करती। बहुत अच्छा लिया है, मैंने बोला अपने स्कूटी में रखना, सूखने के बाद उसका ध्यान रखना, क्योंकि बहुत फ्रेंड्स देखो कोई सामान लेने तो संभालने की तो ज़रूरत पड़ती है सभी को, है ना। तो ये देखो ये मेरा स्वास्थ्य काम कर रहा है, ये अपने ऑनलाइन काम कर रहा है, जो फ्रेंड्स स्कूल से आते हैं ना वो वाला, देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये आपको दिख रहा होगा, ये हिंदी का काम है, एक ही मात्रा वाले शब्द लिख रहा है। तो मेरा खाना पीना हो गया है, मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने साफ सफाई भी कर दिया, ये देखो ये फ्रेंड्स सब, ये है दूध, ये देखो इसको गर्म करूँगी, ठीक है। और ये है सब्जी जो मैंने बनाई थी, कैसी लग रही है इसमें देखने में, ये देखो ये है आलू की सब्जी है फ्रेंड्स, तरी वाली बनाई थी मैंने आज। और ये है आटा बचा हुआ है, रोटी रख दी है, और ये है दूध, तो बस मुझे दूध बनाना है, मैं सोच रही हूँ दूध बनाने के बाद रख देती हूँ, क्योंकि जिसको पीना होगा आराम से ढक के रख दूँगी, गर्म हो जाएगा तो, क्योंकि फिर बार बार ना उठने का मन नहीं करता। तो बस मेरा सारा काम हो गया है, ये देखो अब इसको भी, ये बर्तन है ये सुबह लगाऊंगी, अभी तो मैंने धो के रखा है, तो बस मैं ना ये दूध को गर्म कर लेती हूँ, ताकि पीने लायक हो जाए, है ना फ्रेंड्स। थोड़ा थोड़ा गर्म गर्म हो जाता है ना, क्योंकि बरसात का टाइम है और जुखाम वगैरह भी हो जाते हैं। अभी तो मेरे को ऐसे जुखाम हो गया था, बिल्कुल ना वॉइस मेरी मोटी मोटी हो गई थी, तो मुझे तो अच्छा नहीं लगता। ये देखो फ्रेंड्स शाम के समय पे ना सारे फैला देते हैं गर्म हमारा, ये देखो आज वहाँ पर देखो लैपटॉप का चार्ज पड़ा हुआ है वहाँ पर, और ये देखो ये मैंने कपड़े डाल रखे हैं, बस ऐसे ही करके रखते हैं। तो वही बाहर से आवाज़ आ रही है फ्रेंड्स, क्योंकि जो हमारे पड़ोसी हैं ना, तो वो थोड़े से ना पार्टी शार्टी करते रहते हैं, तो आज हमारी जो पड़ोसी साथ वाले हैं वो थोड़ा सा पार्टी शार्टी कर रहे हैं, तो दो हैं उनकी ना ज़्यादा जैसे फ्रेंड्स बनी हुई हैं वो दोनों, तो कभी वो करते रहते हैं खाने पे बुलाते रहते हैं, कभी वो बुलाते रहते हैं, तो उन दोनों का हो जाता है, उनके बच्चे इधर आ जाते हैं उनके बच्चे उधर चले जाते हैं, तो मेरे को तो ये सब अच्छा नहीं लगता, मैंने कभी किया भी नहीं है फ्रेंड्स, तो मुझे अजीब सा लगता है, है ना। तो फ्रेंड्स काम तो होते रहते हैं, बस आज का दिन बड़ा थका हुआ रहा क्योंकि काम ही काम में बीता है, और मैंने फॉल लगाने को सोचा था, बस फॉल नहीं लगा पाई, अब मैं कल लगाऊंगी इसको सोच रही हूँ मैं। बट फ्रेंड्स मैं सोच रही थी ना कि मशीन का काम हो जाता ना, नीचे से मशीन का काम हो जाता तो मेरी फॉल बहुत अच्छी लग जाती, चलो कोई बात नहीं, नहीं लगी तो कोई बात नहीं, मैं अब उसे कर लूँगी, मैं जैसे जैसे एक दो बार में कर लूँगी, नहीं तो धीरे धीरे तीन बार में कर लूँगी, है ना, पर करना तो ही है, जब मेरा बेटा स्कूल जाएगा ना जब करूँगी इसको, क्योंकि घर में कोई नहीं रहेगा, मैं अपना सारा काम ख़त्म करके फिर करूँगी, है ना। तो गर्मी वाला मौसम आ गया फ्रेंड्स, क्योंकि चिपचिपा वाला मौसम, तो अभी ना चिपचिपा वाला हुआ, क्योंकि ना अभी इस समय पे गर्मी ना गर्मी नहीं वो ये बरसात की वजह से चिपचिपा वाला मौसम हो गया है। तो फ्रेंड्स मैं और मेरे हस्बैंड तो ऐसे पी लेते हैं, जैसे चीनी वगैरह मिलानी होती है तो मिला लेती हूँ, वैसे मैं फीका पी लेती हूँ क्योंकि दूध ऐसे मीठा मीठा सा लगता है, तो बस मेरा बेटा है ना वो ये डाल के पीता है, ये हर्शे शेरप ये मिला के पीता है, और उसका बॉर्नविटा भी है, बॉर्नविटा है क्या है कॉम्प्लान है नहीं हॉर्लिक्स है, हॉर्लिक्स पीता है वो, तो उसका जो मन करता है वो पी लेता है, उसकी मर्जी होती है, तो जैसे उसका टेस्ट है मैं उसे पूछ के देती हूँ, और ज़्यादा तो हर्षे पीता है, और मर्जी है फ्रेंड, देखो ये ठंडे दूध में पी सकते हैं और गर्म दूध में पी सकते हैं, और जो हॉर्लिक्स होता है वो गर्म दूध में ही पीते हैं, तो जब वह ऐसी है, अभी तो मेरे स्वास्थ्य की ना जुकाम हो रखा था उसकी वजह से उसको मैं गर्म ही दूध दे रही हूँ, ज़्यादातर ठंडा दूध नहीं दे रही हूँ, और जब वह आता है ना ट्यूशन से तो उसको मैं जैसे कि ठंडा दूध वगैरह जैसे ठीक रहता, तो अभी भी इसको कोल्ड हो रखा है, तो मैंने तो फ्रेंड देखो ये मैंने ये क्या रखा हुआ, ये विक्स रखा हुआ है, तो यहीं पर सोते हैं हम लोग, तो मैं ना सोते समय विक्स लगा लेती हूँ अपने यहाँ पर पूरे यहाँ पर, तो ना मेरे ठीक हो गया जुकाम, और ये लगाता है ना तो उसके ना चीज मस्ती है नाक पर, हाँ। तो
इसकी वजह से लगा गया, चलो इधर तो ये ना लगाने से मना करता फ्रेंड्स। ज्यादातर देखो नाक उससे खुलती है तो नाक पे लगाना बहुत जरूरी होता है, तो नाक पे ना इसकी चीज मस्ती है, तो उसकी वजह से ना मना करता है कि मेरे मत लगाया करो, बस इधर लगा दे चलो ना, तो गले में नहीं लगता ना। तो मैं दूध तैयार कर लेती हूँ जब तक, ठीक है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं अपना दूध को तैयार कर लेती हूँ। फ्रेंड्स इसमें मैंने थोड़ी सी चीनी मिला दी थी, क्योंकि फीका फीका सा लगता है फिर दूध, तो इसके वजह से मैंने थोड़ी सी चीनी मिला दी थी। और चीनी को दूध को मैं तैयार कर देती हूँ। गर्म हो गया था ज़्यादा, ये जो हमारा छोटा सा लोटा है फ्रेंड्स, इसको लोटा बोलते हैं, मेरे को तो लोटा ही पता है, और तो बोलने वाले पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, अलग अलग हर तरीके में होता है। और ये देखो, ये है मेरा बेटा, ये पीता है हर्षी डाल के, तो उसको मैंने डाल दिया है, ये देखो। तो उसको मिला दूँगी और उसको दे दूँगी स्वास्तिक को। और जो मेरे हस्बैंड का और जो मेरा है, वो तो हम सिंपल पीते हैं, क्योंकि उसमें मैंने चीनी मिला दी थी, सभी में मिला दी थी फ्रेंड्स। मेरा बेटा है ना, वो चीनी वाला नहीं पीता है। तो ये देखो, ये स्वास्तिक के लेटा हुआ आराम से मस्ती कर रहा है। तो मैंने उसको बोला था, ये लो मीठा, ये हम लेकर आए थे ना, तो मैंने उसे बोला था ये खा लो, पर वो मजाल है, वो छू ले कोई भी सामान ऐसे, वो छूता ही नहीं है कोई भी सामान। जैसे एक बच्चा होता है ना, बच्चों वाली आदत नहीं है इसमें। ये देखो, देख तो रहा है खाने की सोच रहा था, पर उसको फ्रेंड्स खोई वाली मिठाई नहीं अच्छी लगती है, क्योंकि ये सारी ये मेरी पसंद की आई थी। ये ना रसगुल्ले वगैरह, काले वाले रसगुल्ले और जो वाइट वाले रसगुल्ले हैं, वो दोनों खा लेता है, पर ये जो मिठाई लेकर आई थी ना खोई, ये खोई से बनी थी, कालाकंद की मिठाई, अपने पता ही होगा ये खोई की बनी होती है। तो मेरे बेटे ने इसको बिल्कुल भी नहीं खाई थी, उसने बस एक बाइट खाई थी, उसके बाद उसने छुआ ही नहीं, दोबारा उसने बोला ही नहीं। तो मुझे भी बड़ा गुस्सा आई थी, और फ्रेश फ्रेंड्स बिल्कुल फ्रेश फ्रेश थी, तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी मुझे, और वही खा के ना बहुत अच्छी लगी। मेरे हस्बैंड ना साथ बैठे हुए थे यहीं पर ही, तो बात कर रहे थे, तो उनको देख के मुझे ना बार बार हंसी आ रही थी, तो वही हम लोग बात भी कर रहे थे कुछ, तो खा लेती हूँ बस। मेरे से एक ही खाई जाती फ्रेंड, ज़्यादा मीठा मिर्च भी नहीं खाया जाता, बस वही है जब मन करता है ना तो वही चीज़। और मैंने खा भी ली देखो, और बार बार ना वो नीचे गिरता रही थी, तो मैं हाथ में रख ले रही थी, क्योंकि या तो कोई प्लेट वगैरह ले में खाना चाहिए, तो मेरे को बस वो जल्दबाजी हो रही थी खाने की लग रही थी। और उसके बाद मैंने ये दूध पी लिया है, देखो गर्म 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 तो बिल्कुल नहीं था, हल्का गर्म था, गुनगुना बोल सकते हैं इसको। स्वास्तिक ने बिल्कुल एक बार खा के, और वो भी बस दूध पी रहा है देखो। तो फ्रेंड्स देखो, अलग अलग चॉइस होती है सबकी, और ये लड्डू। तो फ्रेंड्स हमारा जो हमने दूध दूध पीना था वो हो गया है। ये देखो, ये है मेरे हस्बैंड का, और वो अभी आए बाथरूम में गया है अभी। तो फ्रेंड्स वो ना वीडियो में आना पसंद नहीं करते, उसके वजह से वो आते नहीं है, ठीक है, आप माइंड मत करना। और ये देखो, ये मेरा बेटा है, हम लोग बस अब सोने के लिए ही जा रहे थे, सोने ही जा रहे हैं, बहुत लेट हो गया, नहीं तो ना सुबह के लिए उठ नहीं पाते, लेट हो जाते हैं। और फ्रेंड्स आज ना हम ये मिठाई लेकर आए थे, तो उसको ही टेस्ट कर रहे थे, तो बट उसका टेस्ट ना बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरा ना बहुत टाइम से मन कर रहा था इसको खाने का, तो वो आ नहीं पा रही थी, या तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ हो जा रहा था, या तो भूल जा रहे थे, या बाहर जा रहे थे, दुकान बंद हो जा रही थी, इतने लेट जा रहे थे, 10-11 बजे में जाना, कभी शेर वगैरह करने जाते ना, शेर यानी कि वॉक करने जाते वो वाला, तो ऐसी ही नहीं आ पा रही थी। तो आज मैं गई थी रेनकोट खरीदने, तो वो दिख गई दुकान मुझे मिठाई की, तो वहाँ से ले आई मैं, बहुत अच्छी टेस्ट लगी मुझे। फ्रेंड्स बस वीडियो को यहीं पर एंड करूँगी मैं, आई होप आज का वीडियो आपने एंजॉय किया है, एंजॉय किया है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मैं मिलूँगी फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय, स्वस्ति बोलो, बाय 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 फ्रेंड्स, बाय बाय बाय।